गाइस, जब भी क्रिकेट की बात होती है तो हम सबको पता है कि गॉड ऑफ क्रिकेट बस एक ही है, मिस्टर सचिन रमेश तेंदुलकर। इंडिया के लिए बहुत से प्लेयर्स ने खेला, पर जैसे रिकॉर्ड्स इन्होंने बनाए वो लाजवाब है। पर क्या आप लोग जानते हो कि सचिन सबसे पहले पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं? जी हाँ गाइस, तो चलिए आज के इस हैरान कर देने वाले वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके हमें सपोर्ट दिखाना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सचिन का पूरा नाम सचिन रमेश तेंदुलकर है, तेंदिया और लिटिल मास्टर इनके निकनेम्स हैं। सचिन का जन्म 24 अप्रैल 1973 को मुंबई महाराष्ट्र में निर्मल नर्सिंग होम में हुआ था। सचिन अभी 47 वर्ष के हैं और सचिन के फादर का नाम रमेश तेंदुलकर और वह एक फेमस नॉवलिस्ट हैं। इनकी मदर का नाम रजनी तेंदुलकर और वह भी एक इंश्योरेंस एजेंट थी। सचिन के फादर ने दूसरी शादी भी की थी, जिनसे सचिन के दो सौतेले भाई जिनका नाम नितिन तेंदुलकर और अजीत तेंदुलकर और एक सौतेली बहन जिनका नाम सविता तेंदुलकर है। सचिन का नाम उस टाइम के फेमस इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर सचिन देव बर्मन के नाम से रखा गया था। बचपन में सचिन बांद्रा में रहा करते थे और सचिन को सब बचपन में बुली मानते थे उनके पड़ोस में। उन्हें लॉन टेनिस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा और सचिन के बड़े भाई अजीत ने 1984 में उनकी क्रिकेटिंग एबिलिटीज़ देखी और उन्हें रमाकांत आचार्यकर के पास शिवाजी पार्क में ले गए। आचार्यकर सचिन के स्किल से बहुत इंप्रेस हुए और उन्होंने कहा कि आप श्रद्ध आश्रम विद्या मंदिर हाई स्कूल ज्वाइन कर लो, और सचिन अपनी आंट के घर रहने लगे क्योंकि वहां से स्कूल पास था। सचिन ने खूब मेहनत से शिवाजी पार्क में प्रैक्टिस करना शुरू किया। उनके कोच आचार्यकर स्टंप्स के ऊपर एक कॉइन रखते थे और सारे बॉलर्स को कहते थे कि जो भी सचिन को विकेट ले सकता है और उसके लिए वो कॉइन उसको मिल जाएगा। क्रिकेट ग्राउंड से वापस आने के बाद भी सचिन घर के पे अलग अलग क्रिकेटिंग ट्रिक्स ट्राई करते रहते थे और सचिन और विनोद कांबली ने अपने स्कूल मैच में 664 रन बनाए जिसमें 329 सचिन के थे। बहुत जल्द ही सचिन स्कूल में बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। स्कूल में ही वहाँ विनोद कांबली के बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए थे और अपनी लाइफ में पहला बैट इन्हें इनके बहन सविता ने गिफ्ट किया था। शुरुआत में सचिन एक फास्ट बॉलर बनना चाहते थे, पर MRF पेस फाउंडेशन जाने पर फास्ट बॉलर डेनिस लिफली ने इन्हें अपनी बैटिंग पर फोकस करने की एडवाइस दी। 17 साल की उम्र में सचिन अपनी वाइफ से पहली बार मुंबई एयरपोर्ट पर मिले और उस टाइम सचिन की उम्र थी 17 साल, और उसके 5 साल बाद 24 मई 1995 को इनकी शादी हो गई। अंजलि एक पेडियाट्रिशियन है। सचिन के इनके साथ दो बच्चे हुए, अर्जुन तेंदुलकर और सारा तेंदुलकर। सचिन अपने फैमिली प्रेशर और अपने एक्सपेंसेस का पूरा करने के लिए अपैरल मैन्युफैक्चरर की जॉब किया करते थे और सचिन ने 1990 में अपना पहला एड कमर्शियल किया बैंडेड के लिए और 1992 में पेप्सी को ये इंडोर्स करने लगे, और यहीं से सफ़र शुरू हुआ क्रिकेट के सबसे पहले मिलियनेयर बनने का। सचिन का इंटरनेशनल क्रिकेट डेब्यू टेस्ट मैच में 15 नवंबर 1999 को हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ। ODI डेब्यू हुआ था 18 दिसंबर 1999 को पाकिस्तान के खिलाफ ही, और T20 डेब्यू हुआ 1 दिसंबर 2008 को साउथ अफ्रीका में खेलते हुए। सचिन ने अपना पहला टेस्ट 15 रन और पहली ODI में 0 रन बनाए थे और हर कोई जानता था कि सचिन इंडिया के लिए खेलते थे, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि अपना इंटरनेशनल डेब्यू से 2 साल पहले एक फेस्टिवल मैच में, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच हो रहा था, उसमें जावेद मियादाद और अब्दुल कादिर ने लंच टाइम में फील्ड छोड़ दी थी और सचिन से फील्ड करने को पूछा गया और उन्होंने इमरान खान के अंडर काम किया था और फील्डिंग की थी लॉन्ग ऑन पे। कुछ ही देर में कपिल देव ने उनकी तरफ एक शॉट मारा जिसको सचिन पकड़ नहीं पाए और वो उस बात का काफ़ी ज़्यादा मलाल आज तक रखते हैं। अपने टेस्ट डेब्यू के 5 साल बाद उन्होंने पहली सेंचुरी बनाई इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में, और 79 ODI मैचेस के बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, इन्हें और भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। और क्रिकेट के अलावा सचिन को बहुत से स्पोर्ट्स पसंद है, टेनिस, फुटबॉल और F1 रेसिंग के ये बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। इनकी एनुअल इनकम 80 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है और इनकी हॉबीज है परफ्यूम, वॉचेस और CDs कलेक्ट करना और म्यूजिक सुनना। अगर आज के वीडियो आपको पसंद आए और आप सचिन के फैन हैं तो हमारे वीडियो को बिल्कुल लाइक करना ताकि हम आप तक और भी आगे वीडियोस लाते रहें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो यार सब्सक्राइब भी कर देना ताकि हम आगे भी और अच्छी वीडियोस लाए और आप हमें सपोर्ट दिखाते रहो। तो अगली बार फिर आऊँगा एक अच्छी सी वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।